जय हिंद दोस्तों, फ्रॉम ब्रो टू प्रो बल्क सीरीज का डे 4 आज हम करने वाले हैं। 3 दिन हमने पूरे कंप्लीट कर चुके, जिसके अंदर चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप, लेग्स कंप्लीट कर चुके हैं, बैक बाइसेप सब कंप्लीट हो चुका है। वापस आज से हम रिपीट करेंगे 3 दिन तक, और आज वापस हमारा होने वाला पुश मूवमेंट, जिसमें हम चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप करने वाले हैं। और अगेन 3 सेट और 12 रेपिटेशन ही करेंगे। जैसे लेग के अंदर मैंने आपको बताया था, उस केस में आप 2 सेट भी कर सकते हो, 1 सेट कम करके, क्योंकि उसमें पेन ज्यादा हो सकता है। बिल्कुल बिगिनर, जो भी बिगिनर होंगे उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी जो करते आ रहे हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो वो 3 सेट 12 रेपिटेशन तक कर सकते हैं। और आज वापस स्टार्ट करने वाले चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप, पहले अच्छा सा वार्म अप करते हैं। वार्म अप की वीडियो डे 1 में मैंने कंप्लीट बता रखी है, तो वहां जाके आप पूरा वार्म अप देखिए, वैसा ही वार्म अप पूरा कंप्लीट कीजिए और फिर वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। वार्म अप मेरा कंप्लीट हो चुका है, और जैसा कि अधिकतर बिगिनर्स गलती यही करते हैं कि डायरेक्ट जाते ही फ्री वेट, या फिर जो लगता है या सामने वाला इस तरीके से कर रहा मैं भी कर लूँगा, तो वो चीज़ों को छोड़ के एक एक्चुअलिटी में अगर हम करेंगे तो ज़्यादा हमारे को बेनिफिट मिल सकते हैं। जैसे कि अब भी हम जैसे बिगिनर होते, बिल्कुल कंप्लीट बिगिनर हैं, तो अभी हम इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है, ना ही हमारा स्टेबलाइजर मसल अच्छा यूज़ होता है, तो कहीं ना कहीं इंजरी ज़्यादा हो सकती है। तो अभी जैसे अभी अगर मशीन पे करेंगे हम, तो मशीन हमें सपोर्ट करेगी कि वो हाथ हिलने नहीं देगी, और जो प्रॉपर लोड है वो लोड पूरा प्रॉपर आपको फील होगा। अभी जैसे हम इंक्लाइन, जैसे फर्स्ट डे पे हमने फ्लैट बेंच करा था, इसी पे इंक्लाइन कर रहे हैं हम। इंक्लाइन मशीन प्रेस करने वाले हैं, और इसमें भी हम 3 सेट करेंगे 12 रेपिटेशन के। और एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि ज़्यादा हैवी वेट नहीं लें, क्योंकि स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ होती है, लेकिन धीरे धीरे वो इंजरी में कन्वर्ट हो जाती है। तो पहले से ही हम ध्यान रखें कि हमें क्या करना है और किस तरीके से स्टेप बाय चढ़ते जाना है। तो अभी मैं वेट लाइट ही रखूँगा, ज़्यादा हैवी वेट नहीं रखने वाला हूँ, 18 kg ही वेट ले रहा हूँ, काफ़ी कम वेट हो रहा है मेरा इसके अंदर। और फिर स्ट्रेंथ जब हम गेन कर लेंगे तो धीरे धीरे वेट इंक्रीज करते जाएंगे। सो इसको स्टार्ट करते हैं, और इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना पड़ेगा, क्योंकि एक मशीन आपको पूरी तरीके से हेल्प करेगी। बस जब आप परफॉर्म करेंगे तब एल्बो का मूवमेंट का ध्यान रखना है कि एल्बो आपकी हॉरिजॉन्टल नहीं होगी, हल्की सी आगे की तरफ ले लोगे तो काफ़ी अच्छा चेस्ट पे फील आएगा। स्टार्ट करते हैं। ये ग्रिप लिया आपने, प्रेस करा, जब आप नीचे लेके आएंगे तो क्या होता है, एल्बो पीछे की तरफ जाती है। इस मूवमेंट से आपको शोल्डर पे ज़्यादा फील होगा, अपर चेस्ट पे नहीं होगा। अब आप क्या करेंगे, ग्रिप ली, प्रेस करा, बस एल्बो स्ट्रेट नीचे आनी चाहिए, एंड अगेन प्रेस। ठीक है, ऐसे ही आपको 12 रेपिटेशन 3 सेट करने हैं। इंक्लाइन मशीन प्रेस कंप्लीट हो चुका है, और स्टार्टिंग वेट मैंने 18 kg लिया था, फिर 25 kg, फिर 32 kg, थोड़ा लाइट लग रहा था इससे मैंने वेट इंक्रीज करता गया। आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही वेट इंक्रीज करिए, बाकी अगर लगता है इससे सेम वेट पे भी रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करने वाले चेस्ट के अंदर डिक्लाइन स्मिथ मशीन प्रेस। और अगर जैसे हम यहाँ पे मशीन पे नहीं है तो स्मिथ पे मैंने सेटअप लगाया, ऐसा आप कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ अगर मशीन में आप भी स्मिथ पे करना चाहते हैं तो ये बेटर रहेगा ऑप्शन। और इसके भी 3 सेट 12 रेपिटेशन करेंगे। स्टार्ट करते डिक्लाइन स्मिथ प्रेस कंप्लीट हो चुका है, और वेट 5 kg प्लेट लगाई थी मैंने, 2 सेट उस पर करे, फिर 2.5 इंक्रीज करा, और 12 रेपिटेशन 3 सेट पे मैंने कंप्लीट करे। नेक्स्ट हम करने वाले हैं, स्टार्ट कर रहे हैं शोल्डर। चेस्ट की हमने 2 ही करी, शोल्डर की हम 2 करेंगे। और स्टार्टिंग हम कर रहे हैं डंबल साइड लैटरल रेस, और ये सबसे मेरे फेवरेट एक्सरसाइज है शोल्डर की।
और काफ़ी अच्छा लोड फील होता है, और इसमें बिगिनर सबसे ज़्यादा गलती भी इसी एक्सरसाइज में करते हैं। इसके बारे में बहुत अच्छे डिटेलिंग में हम थोड़े दिन बाद अच्छे से बात करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ, बिगिनर जो फर्स्ट टाइम अगर जिम में जा रहा तो वो कैसे करेगा, बाकी जो एडवांस वाले करते हैं वैसा मैं परफॉर्म करूँगा, बाकी एक बार आपको आइडिया दे देता हूँ। तो वेट मैं ले रहा हूँ 5 kg, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो 2 kg 2.5 kg इतना ही वेट लीजिए, ज़्यादा हैवी वेट नहीं लीजिए। शोल्डर की विड्थ पे पैर आपके खुले होना चाहिए, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, और फिर आपको यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट साइड में डंबल्स को रेस करना है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम जो कर रहा है बिगिनर्स हैं उनके लिए, बाकी एडवांस वालों को पता है कैसे क्या करना है। तो अभी 3 sets 12 repetitions कंप्लीट करेंगे, स्टार्ट करते हैं। डम्बल साइड लेटरल रेस के 3 sets मैंने कंप्लीट कर लिए, वेट उसमें इंक्रीज नहीं कर पाया मैं, 5 kg ही रखा, काफी अच्छा, बहुत अच्छा लोड आता है। आप इसको सही तरीके से परफॉर्म करिएगा, वीडियो को सही से चेक करिएगा, फिर आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लोड फील होगा। अगर आप स्ट्रेट भी करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा लोड आने वाला है, और हल्का सा टिल्ट करके करते हैं तो भी बहुत अच्छा लोड आने वाला है। शोल्डर की लास्ट एक्सरसाइज, इसके बाद हम ट्राइसेप स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अंदर करेंगे बारबेल फ्रंट रेस, और बारबेल फ्रंट रेस में भी लाइट वेट ही रख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे 10 kg की सबसे कम वेट वाली रोड है, तो इस पर मैं कर रहा हूँ। इससे कम भी आती है बिल्कुल एम्प्टी वाली, वो भी कर सकते हो आप, बिल्कुल बिगिनर हो, स्किनी हो तो ठीक रहेगा वो ज़्यादा वेट। और फिर अपन धीरे धीरे बल्क करते जाएंगे तो काफ़ी अच्छा बल्क भी होने वाला है, तो वो एक धीरे धीरे हमारा प्रोसेस है। और इसके भी हम 3 sets 12 repetitions करने वाले, स्टार्ट करते हैं। शोल्डर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, आज के डे की लास्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं। ट्राइसेप में एक ही करेंगे हम, और ये भी मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है जिसके अंदर हम करने वाले पुली पुश डाउन, रॉप पे रॉप पुली पुश डाउन इसका पूरा नाम है। और इसके भी हम 3 sets करेंगे, 12 repetitions, अच्छे से करिएगा, स्लो करिएगा। और वेट में ले रहा हूँ 20 kg, और लगेगा तो धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, और आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वेट चूज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पुली पुश डाउन के 3 sets कंप्लीट कर लिए, और वेट 20 kg ही रखा, इंक्रीज नहीं करा, काफ़ी अच्छा पंप मिला ट्राइसेप में। और काफ़ी टाइम बाद वर्कआउट स्टार्ट करा है तो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है कि हैवी है ये वेट भी, लेकिन धीरे 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 हम स्ट्रेंथ गेन करेंगे तब ये वेट आसानी से लिफ्ट होने लग जाएगा। और अभी मैंने कोई भी सप्लीमेंट एड नहीं कर रखा है, सिर्फ वे प्रोटीन को एडेड रखा है जो हमारे 2400 कैलोरी के अंदर आ रहा है। सो आज का वर्कआउट तो हमारा कंप्लीट हुआ, प्रॉपर स्ट्रेचिंग करते, अपर बॉडी की स्ट्रेचिंग करते, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हम करेंगे बैक एंड बाइसेप, और फिर आप इस नेक्स्ट जो करेगा फिर लेग रहने वाला है। तो ये 3 दिन हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।